आइए जानते हैं कि SBM का वर्चुअल कार्ड भारत इजी ऐप से कैसे मिलेगा। पहले तो आप भारत इजी ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर कर लेंगे, जो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया है कैसे करना। अब यहाँ पे आपको भारत इजी ऐप दिखाई दे रहा है, इसे आपको ओपन करना। ऐसे लोड होगा। लोड होने के बाद आपको लॉगिन ऐसे पूछा जाएगा, आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा बैंकिंग, आपको बैंकिंग पर क्लिक करना। बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद फिर से थोड़ा लोडिंग दिखाएगा, आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है ये। फिर एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पर, जैसे ही आप वो एंटर करते हो और उसे वेरीफाई पे क्लिक करते हो, ऐसे आ जाएगा, वेरीफाई पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। ये होते ही ऐसे लोडिंग दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, ये जो अनलॉक दिख रहा है इस पे क्लिक करना है, क्योंकि देखिए अभी भी कार्ड नंबर विजिबल नहीं है। आपके पहले चार दिख रहे हैं, लास्ट के चार नंबर दिख रहे हैं। तो ये कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए आपको इसको अनलॉक करना है। तो अनलॉक पे क्लिक करेंगे, देखिए ऐसे, और अभी भी कार्ड नहीं दिखेगा। ओके, अभी आपको फिर से उसी रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP आएगा। इस तरह से आपको पहले वो एंटर करना है, एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, ऐसे दिखाई देगा OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि ये किसी और का कार्ड है, तो यहाँ पे आपको कार्ड के डिटेल्स दिख जाएंगे। बस इतना ही था, बस इतना सिंपल है वर्चुअल कार्ड, SBM का वर्चुअल कार्ड भारत इजी ऐप से निकलना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।